regarding the SOEs in your report. First of all, tell me, you know, why was this topic important? Why did the bank choose to, you know, discuss this at this time? What are the key policy messages? And could you also briefly summarize what is included in the SOEs debt stock and what are the major trends that are being observed in the sector? देखिए पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी एक मुश्किल माली सूरत हाल से गुजर रहा है और इसमें एक जो बड़ा नुमाया फीचर है वो ये है कि गुज़श्ता एक दहाई से पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो काफ़ी बढ़ गया है। माली साल 2023 में पाकिस्तान का माली खसारा था 7.8%, जो कि साल 2022 से सिर्फ 0.1% ही कम था, यानी 7.9 से 7.8%। अब ये कहने को तो एक नंबर है, लेकिन अगर हम पिछले दो दहाइयों का अगर मुशाहिदा करें तो ये दो बुलंद तरीन खसारे हैं पिछले दो दहाइयों के। अब अगर हम इसके डेट में जाएं, एसओईज का जो कर्ज़ा है कि उसकी क्या जहते हैं, वो किस तरह से है और उसके क्या कुछ मसाइल हैं, तो उसमें इस तरह से है कि देखें जो एसओईज के कर्ज़े हैं उनके मेन, आप कह लेंगे अगर आप मेन अगर उनके जुज की बात करें या उनके ब्रेकअप की बात करें तो चार चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो वो कर्ज़ा आ जाता है जो एसओईज ने सरकार से गारंटी लेके तो लिया है, यानी वफाकी हुकूमत उन्हें गारंटी देती है और उसकी बेस पे एसओईज कर्ज़ा ले लेती है। हमें क्विकली कुरत बताइएगा, जो रिफॉर्म और प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, हम रिफॉर्म्स के बारे में भी आपसे जानेंगे, वो प्राइवेटाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए कि क्या बैरियर्स एक तो गवर्नमेंट फेस करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? अब प्राइवेटाइजेशन जो है ये डेफिनेटली वन ऑफ द सॉल्यूशंस है व्हाई दीस रिफॉर्म्स आर क्रिटिकल एंड व्हाई दीस रिफॉर्म्स आर एसेंशियल। हमारा हेल्थ पे टोटल खर्चा जो होता है, टोटल हेल्थ नेशनल लेवल पे, वो अराउंड 1.4% ऑफ द जीडीपी है, और 2% ऑफ द जीडीपी हम खर्च कर रहे हैं एसओईज पे। और ये जो 1.4% ऑफ द जीडीपी का खर्चा है हेल्थ पे, ये खासा अगर आप रीजन में कंपेयर करें तो वी आर ऑन द लोएस्ट साइड। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक विद असद इजाज बट ऑन नया दौर टीवी न्यू वेव ग्लोबल। नाज़रीन, आज मेरे साथ हैं वर्ल्ड बैंक के दो इकोनॉमिस्ट, एक तो अदनान अशरफ घुमन साहब हैं जो कि वर्ल्ड बैंक की मैक्रो फिस्कल मैक्रो ट्रेड प्रैक्टिस के साथ एसोसिएटेड हैं, ही इज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट, आज वो हमें ज्वाइन करेंगे। आई विल आल्सो बी जॉइंड बाय कुरतुल एन हादी जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। अदनान साहब और कुरत साहिबा ने, दोनों ने मिलके एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के ऊपर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। एसेंशियली द रिपोर्ट वाज अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रपोजिंग द गवर्नमेंट व्हाट पॉलिसी मेजर्स द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक टू रैशनलाइज इट्स बजट्स एंड इंश्योर समथिंग कॉल्ड फिस्कल कंसोलिडेशन। But a part of the public expenditure review is a section on state-owned enterprises. So, आज हम इनसे दो तीन बातें जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि इस वक्त क्या अहमियत है state-owned enterprises की, हमें उनके बारे में बात क्यों करनी चाहिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत को हमने क्या policies propose की हैं state-owned enterprises की प्राइवेटाइजेशन या उनके अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि एसेंशियली दो ही चीजें हैं, या तो अगर गवर्नमेंट रिटेन करती है किसी भी एसओई को, स्पेशली वो वाली जो लॉस मेकिंग है, तो वहां पे रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, या वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि अब रिफॉर्मेबल नहीं है और उनको हमें बेचना है प्राइवेट सेक्टर को, तो उनको प्राइवेटाइज कैसे किया जाए। तो ये सवालात और ये हमारा आज का राउंड अप होगा। स्टार्ट करते हैं पहले तो अदनान अशरफ घुमन साहब से। अदनान साहब, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम असद, पहले तो आपके तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्रिया कि आज आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए, थैंक यू। अदनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी about the key policy messages regarding the SOEs in your report. First of all, tell me, you know, why was this topic important? Why did the bank choose to, discuss this at this time? What are the key policy messages?
And could you also briefly summarize what is included in the SOE's debt stock and what are the major trends that are being observed in the sector? Shukriya, Asad, is sawal ke liye. Aapke sawal ke do hisse hain. Aur main sawal jo aapne pehle kiya ki ye mauzu kyun is waqt important hai aur iske kya policy messages hain, usse start karunga. Aur aapne apne ibtidaiye mein bhi mention kiya. Dekhiye, Pakistan is waqt kafi ek mushkil mali surat-e-haal se guzar raha hai. और इसमें एक जो बड़ा नुमाया फीचर है वो ये है कि गुज़श्ता एक दहाई से पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ गया है और मुसलसल बढ़ता जा रहा है. अब अगर हम उसकी मिसाल देखें तो माली साल 2023 में पाकिस्तान का माली खसारा था 7.8%, जो कि साल 2022 से सिर्फ 0.1% ही कम था, यानी 7.9 से 7.8%. अब ये कहने को तो एक नंबर है, लेकिन अगर हम पिछले दो दहाइयों का अगर मुशाहिदा करें तो ये दो बुलंद तरीन खसारे हैं पिछले दो दहाइयों के. अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पे इन चीज़ों को काबू में लाने के लिए कोशिश नहीं की गई. साल 2005 में पाकिस्तान ने एक कानून बनाया जिसे कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट. उसके अंदर एक प्रॉपर क्लॉज है या एक रूल है, फिस्कल रूल है, माली रूल है, के खसारा 3.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान 2008 से इस कानून की भी खिलाफ वर्जी में है. Right. तो ये एक संगीन सूरत हाल है. लेकिन अब ये खसारे कर क्या रहे हैं, ये तो नंबर है ना, लेकिन इसका आउटकम क्या आ रहा है? इसका आउटकम ये आ रहा है कि पाकिस्तान में मुसलसल हम देख रहे हैं कि मौशी अदम इस्तकाम है. उस मौशी अदम इस्तकाम की वजह से मौशी बहरान भी आता है. उस मौशी बहरान की वजह से हम देख रहे हैं कि तरक्की या ग्रोथ की शरह में मुसलसल कमी होती जा रही है, जो कि बहुत परेशान कुन बात है. उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन या अफरातज़र काफ़ी बढ़ गई है. पिछले दो साल में हमें काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, और इसके साथ साथ हमारे बैरूनी खसारे भी बढ़ते जा रहे हैं. अब इन सब चीज़ों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक फिस्कल खसारे या माली खसारे से बनता है. अच्छा, अब इसका एसओईज या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ क्या ताल्लुक निकलता है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चूंकि सरकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल्कियत में है, तो जो भी खसारा या नुकसान वो करती हैं, साफ जाहिर है वो पूरा करने के लिए सरकार को डायरेक्ट मदद करनी पड़ती है या इनडायरेक्ट मदद करनी पड़ती है. तो वो खसारा सरकार फिर अपने बजट में या अपने माली खसारे में अब्जॉर्ब करता है. अब इसकी मिसाल ये है कि माली साल 2016 से 2020 के दरमियान हमने देखा कि हर साल औसतन ये जो कमर्शियल फेडरल एसओईज हैं, ये बजट जीडीपी का तकरीबन 0.5% का नुकसान कर रही हैं. यानी ये अगर हम इसको एग्रीगेट करें तो 5 सालों में 2.5% ऑफ जीडीपी ये नुकसान हुआ है, जो एक काफ़ी खतीर रकम है. अगर आप इसको एक अपने कॉन्टेक्स्ट में रखें तो ये 2.5% पाकिस्तान हेल्थ पे भी लगा सकता था, पाकिस्तान एजुकेशन पे भी लगा सकता था, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगा सकता था. इससे बहुत और काम हो सकते थे. यानी ना सिर्फ के हसारा बढ़ा रही है, बल्कि जो कीमती कौमी वसाइल हैं जो कि और बहुत सारी ज़रूरी जगहों पे लग सकते हैं, जहां पे पाकिस्तान लैग कर रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो भी नुकसान हो रहा है. तो Adnan sir, sorry to cut you, but could you also tell us what is the quantum of this loss? At one point, it was quoted that it's, you know, the total SOE loss was around 1 trillion. Last finance minister said it's around 500 billion. So, you know, 2.5% of the GDP, aap keh rahe hain, what would be the quantum? Would it be in that ballpark? देखिए, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं. मैं इस पे इस वक्त कोई तबसरा करने से गुरेज इसलिए करूंगा क्योंकि कुरत ने इस पे कुछ काम किया है, तो मैं चाहूंगा कि वो इस पे बात करें. लेकिन यह है क्योंकि हर साल का जीडीपी फर्क है, तो ऑफ कोर्स अगर आप औसतन देखेंगे तो वो नंबर चेंज होता जाएगा, तो इसलिए इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में रखना बड़ा जरूरी है. लेकिन आपके बात के साथ मैं ये जरूर लिंक करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एसओईज हमेशा नुकसान में रही है. साल 2015 में एसओईज मुनाफा कमा रही थी, लेकिन जब मुनाफा भी कमा रही थी तो आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि उस वक्त भी सरकार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, और वो जो सपोर्ट थी वो तकरीबन बजट हसारे की उस वक्त 18% थी. राइट. तो और ये काफी बड़ी रकम. तो ये जरूर है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एसओईज ने नुकसान बनाना शुरू किया, तो वो जो सरकार को उनको डायरेक्ट मदद करनी पड़ती है इन शेप ऑफ सब्सिडीज, इन शेप ऑफ लोन्स, या इन शेप ऑफ कह लें कि डायरेक्ट एक्विटी इंजेक्शन, तो
तो बढ़ते बढ़ते 2% ऑफ जीडीपी तक जा चुकी है सन 2022 में। अब ये जीडीपी सन 2022 में एक अच्छी खासी हतीर रकम बन जाती है। तो इसके साथ साथ ये है कि जो इन एसओईज की वजह से जो फिस्कल रिस्क हैं या जो माली खतरात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को इनको गारंटी देनी पड़ती है एसओईज को लोन लेने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे मामलों में जाना पड़ता है जिसकी वजह से ये खतरात बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन में ये बात तब्दील होती जा रही है। और अगर पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि तरक्की वापस आए, अफराते जर कंट्रोल हो और हम ग्रो करें एट ए रेट के जहां पे हमारी यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में मौशी असलाहत हों जो कि इस खसारे को कम करें, और उसके लिए एसओई की रिफॉर्म्स क्रिटिकल हैं। तो ये तो है इसका कह लें कि की पॉलिसी मैसेज इस चैप्टर का, जो एक मैक्रो फिस्कल परस्पेक्टिव से आ जाता है। अब अगर हम इसके डेट में जाएं, एसओई का जो कर्जा है कि उसकी क्या जहते हैं, वो किस तरह से है और उसके क्या कुछ मसाइल हैं, तो उसमें इस तरह से है कि देखें जो एसओई के कर्जे हैं उनके मेन, आप कह लें कि अगर आप मेन अगर उनके जुज की बात करें या उनके ब्रेकअप की बात करें, तो चार चीजें आ जाती हैं। तो एक तो वो कर्जा आ जाता है जो एसओई ने सरकार से गारंटी लेके तो लिया है, यानी वफाकी हुकूमत उन्हें गारंटी देती है और उसकी बेस पे एसओई कर्जा ले लेती है। दूसरा वो कर्जा है जो कि वफाकी हुकूमत लेती है और फिर एसओई को मुंतकिल कर देती है, और ज्यादातर ये कर्जे बैरूनी कर्जे हैं। उसके साथ साथ ऐसा कर्जा भी है जो एसओईज ने अंदरूनी और बैरूनी तौर पर लिया है, जो कि एसओईज अपनी बैलेंस शीट की बेस पे लेते हैं, कि उनके पास अपने इतने एसेट्स होते हैं कि वो उससे जाके कर्जा ले लेते हैं। और आखिर में फिर कुछ ऐसे वाजिबात हैं जो कि एसओईज की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा है, या जो हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि गंदम की कमोडिटी प्रोक्योरमेंट हो रही है उसकी वजह से जो कर्जा बनता है, जो कि टीसीपी या पास्को जैसी एजेंसीज क्रिएट करती हैं। तो ये मोटे मोटे इसके आइटम है। इसमें लेकिन इसके साथ डॉलर जी जी डिनोमिनेटेड कर्जा कर्जे के बारे में भी जरा दान साहब बताइएगा। इसमें कुछ कुछ कितना बड़ा हिस्सा आपके ख्याल से डॉलर डिनोमिनेटेड है और सॉवरेन डेट है एज अपोज टू डोमेस्टिक डेट? बिल्कुल, मैं इस पे जिक्र करता जी हूँ, और वो जो मैं अगली बात करने वाला था उसके साथ ये लिंक्ड है क्वेश्चन। तो बहुत शुक्रिया श्योर आपने सवाल पूछा। अब इस तरह से है ना कि जो इंटरनेशनल सतह पे डेट की कुछ डेफिनेशन होते हैं, सरकारी कर्जे की कुछ डेफिनेशन होती हैं, तो जी पाकिस्तान में भी एक डेफिनेशन है। तो पाकिस्तान में डेफिनेशन सरकारी कर्जे की यह है कि जो सरकार ने खुद कर्जा लिया वो, और जो सरकार ने गारंटी किया वो कर्जा। तो अगर हम उस कर्जे को देखें जो सरकार ने गारंटी किया है, तो वो सन 2016 में कोई 2.2% था, और ये सारा कर्जा एसओई के लिए, और वो अब बढ़ के 4.2% तक चला गया, यानी 75% उसमें इजाफा हुआ 2023 में। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास ये है और कर्जा हम पाकिस्तान में इसी को समझते हैं, बाकी चीजों को कर्जा नहीं समझते, तो इसमें काफी बड़ा हिस्सा ये 4.2% में बैरूनी कर्जों का, जो कि काफी राइट परेशान कुन बात, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की माली सूरत हाल है उसमें अगर इस कर्जे की वजह से सरकार पे और दबाव आता है तो ये एक मजीद परेशानी सूरत हाल बनाएगा। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, तो ये 4.2% में काफी बड़ा हिस्सा बैरूनी कर्जों का। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज जो बड़ी मुनफरद है इन कर्जों के बारे में, कि सरकार एसओईज को गारंटीज भी देती है डोमेस्टिकली भी, कि ये बैंकों के पास जाएं और जरा बेहतर शराइत पे और शराय सूद पे कर्जे ले लें। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इन एसओईज का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं होता अक्सर, जैसे कि तवानाई के शोबे में हम देखते हैं, तो ये एक मॉरल हैजर्ड क्रिएट करता है, जो कि हमें फिर नजर आता है ज्यादा शरा सूद में जो कि बैंक चार्ज कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे एरियर्स की शक्ल में जैसा कि सर्कुलर डेट है, जो कि हुकूमत के लिए काफी बड़ा दर्दसर बनते हैं और फिस्कल ड्रेन भी बनते हैं। अब इसके साथ साथ ये है कि सरकार ने अपने ऊपर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन के अंदर दो कदगने भी लगाई हैं। उनमें से एक कदगन ये है कि हर साल वो एक खास हद से ज्यादा गारंटीज इशू नहीं कर सकते स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, वो लिमिट है 2% ऑफ जीडीपी। तो अगर हम देखें 2016 से 2021 के बीच में तो सरकार ने औसतन हर साल 0.8% तक की नई गारंटीज हर साल इशू की हैं, जो कि काफी साइजेबल नंबर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम गारंटी, ये तो फ्लो की बात होगी, अगर हम स्टॉक को देखें तो स्टॉक जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया अभी तो 4.2% है,
लेकिन अगर हम ऐसे कर्जों को देखें कि जिनके पीछे कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, जैसे कि गर्दिशी कर्जे हैं या कमोडिटी लोन्स हैं जिनका पे ऑफ करने के लिए कोई रेवेन्यू मॉडल मौजूद नहीं है, तो इस चीज से लोग इत्तफाक करेंगे कि ये भी कर्जा ही हुआ और सरकार का कर्जा हुआ। तो अगर हम एक मुहतात अंदाजा लगाएं तो ये टोटल कर्जा मिला के इस वक्त जो अनगारंटीड है वो 6-7% से ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम इसको गारंटीड डेट के साथ मिलाएं तो ये 10% से ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब ये 10% क्यों इंपॉर्टेंट है? सरकार ने अपने ऊपर एक लिमिट लगाई हुई है FRDLA के अंदर कि जो ये टोटल SOEs का कर्ज है जिसको वो कर्ज में रिकॉर्ड करते हैं, ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ये एक काफी संजीदा सूरत हाल है जिसके लिए SOEs रिफॉर्म्स क्रिटिकल हैं, क्योंकि SOE रिफॉर्म्स किए बगैर फ्लो नहीं रुक सकता। जब तक फ्लो नहीं रुकेगा तो जो स्टॉक है वो नीचे नहीं आएगा, जब तक स्टॉक नीचे नहीं आएगा तो जो इन कर्जों के ऊपर जो सूद की पेमेंट है जो कि फिस्कल खसारे को बढ़ाती है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने रेवेन्यूज का एक मेजर हिस्सा सूद की शक्ल में अदा कर रहा है, तो वो तब तक वो नीचे नहीं आ सकता। जब तक वो नीचे नहीं आ सकता पाकिस्तान में माली स्पेस क्रिएट नहीं हो सकती ऐसे कामों के लिए जो कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान में ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। तो ये लंबी स्टोरी को शॉर्ट करते हुए ये मतलब पंच लाइन बनती है कि SOEs को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे रुकूंगा, अगर आपका कोई मजीद सवाल हुआ तो मैं बिल्कुल वापस आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। Thank you, Adnan Saab. Thank you for setting the baseline. I guess the audience would have now by now understood what problem we're facing in the SOE sector. But like I said in my introduction, we have two policy options. One is to reform the SOEs, जिनकी तरफ आपने तस्करा भी किया, but the other policy option we have is to privatize the SOEs. And speaking about reforms and privatization, I have Kurutulain Hadi with me, public finance, financial management specialist at the bank. Also, one of the, by the way, I wanted to mention this, Adnan and Kurut are the two primary authors of the Public Expenditure Review, this big report that came out that we're discussing today. So I'll just bring Kurut into the conversation. Kurut, Assalamu alaikum and thank you for joining. Walaikum assalam, Asad, and walaikum assalam, Tamam Nazreen. Thank you for inviting us on this show, and it is really encouraging to have such debates going on and create this awareness to the public. So, ye bahut achha initiative hai, I must say, or looking forward for this discussion. So, जी जी yes. जी जी कुरत, आई मीन एब्सोल्युटली, इट्स अ पर्टिनेंट टॉपिक, और अदनान ने बेसलाइन सेट की कि इसकी इस बहस की इस मुबाइसे की एट दिस पॉइंट हमें क्या जरूरत है। और डेफिनेटली इट्स अ प्रिकेरियस सिचुएशन इन पाकिस्तान, एंड SOE रिफॉर्म और प्राइवेटाइजेशन वुड बी एसेंशियल स्टेप्स टू नेविगेट दिस सिचुएशन। और इसी बारे में हम आपसे जरा ज्यादा समझने और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने नंबर्स को भी देखा है, आपने बैकग्राउंड रिसर्च कंडक्ट की है इस रिपोर्ट के लिए। हमें क्विकली कुरत बताइएगा, जो रिफॉर्म और प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, हम रिफॉर्म्स के बारे में भी आपसे जानेंगे, वो प्राइवेटाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए कि क्या बैरियर्स एक तो गवर्नमेंट फेस करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और उसमें से एक बैरियर जिसकी अक्सर बात की जाती है वो सरकार की एग्जिस्टिंग फिस्कल स्पेस है। तो इट्स लाइक पीपल से दैट इट्स लाइक अ कैच-22 सिचुएशन, कि सरकार ने अगर वो अपनी फिस्कल स्पेस फ्री अप करनी है तो उसके लिए एक रेडी फिस्कल स्पेस आपको ऑलरेडी रिक्वायर्ड है टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट प्राइवेटाइजिंग। तो आपको लगता है कि PIA और उस तरह के जो और बेशतर इदारे हैं उनके अंदर सबसे बड़ा इशू प्राइवेटाइजेशन का बैरियर यही है, या और बैरियर्स भी हैं? देखें सर, अगर हम SOE की, जैसे अदनान ने एक बैकग्राउंड दिया कि वो SOE के रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है। 2% ऑफ द GDP, टोटल फॉर फिस्कल डेफिसिट आपका जो है वो अराउंड 7-7.5% है ऑफ द GDP, और उसमें से 2% ऑफ द GDP जो है वो प्योरली बिकॉज ऑफ SOE सपोर्ट की वजह से, यानी कि जो डायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट है एनुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टू दीज SOEs इज अराउंड 2% ऑफ द GDP।
ये आप समझ लीजिए कि 1/3 ऑफ द लॉसेस गवर्नमेंट लॉसेस आर कमिंग फ्रॉम द एसओईज. और अदनान ने ये भी बिल्कुल मेंशन किया, क्योंकि मैं ये पॉइंट्स इसलिए अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि दीज आर समथिंग दैट नीड्स टू रिमेन इन द माइंड के व्हाई दीज रिफॉर्म्स आर क्रिटिकल एंड व्हाई दीज रिफॉर्म्स आर एसेंशियल. हमारा हेल्थ पे टोटल खर्चा जो होता है, टोटल हेल्थ पे नेशनल लेवल पे, वो अराउंड 1.4% ऑफ द GDP है. और 2% ऑफ द GDP हम खर्च कर रहे हैं एसओईज पे. और ये जो 1.4% ऑफ द GDP का खर्चा है हेल्थ पे, ये खासा अगर आप रीजन में कंपेयर करें तो वी आर ऑन द लोएस्ट साइड. लाइक वी आर स्पेंडिंग हम रीजन में एवरेज से बिलो स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ. तो ये आई एम जस्ट गिविंग दीज नंबर्स टू अंडरस्टैंड कि ये रिफॉर्म्स जरूरी क्यों है. ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन जो है ये डेफिनेटली वन ऑफ द सॉल्यूशंस है. आपने पहले कहा कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या फिस्कल स्पेस का भी होना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है कि आप एक लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं. अगर किसी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए क्या उसका क्या इंटरेस्ट होगा एक लॉस मेकिंग एंटिटीज में, देन प्राइवेटाइजेशन ट्रांजेक्शन इटसेल्फ इज एन एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग, क्योंकि उसमें आप ट्रांजेक्शन एडवाइजरी को हायर, ट्रांजेक्शन एडवाइजर को हायर कर रहे हैं, रोड शोज करा रहे हैं, एंड सो दैट इन्वॉल्व्स कॉस्ट. बट ये कॉस्ट जो है, हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, उसमें हम कॉस्ट और उसके साथ एसोसिएटेड बेनिफिट्स को एनालाइज करते हैं. तो अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि इस वक्त थोड़ा सा कॉस्ट आउट ले आपके लिए इन द लॉन्गर टर्म सेविंग्स, ना सिर्फ सेविंग्स बल्कि रिटर्न की सूरत में आपके पास आ रहे हैं, तो वो डिसीजन समझ में आना शुरू हो जाते हैं. और इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि हम इस किस्म की असेसमेंट्स करें. हमने कोई गवर्नमेंट ने आज से 2017 में एक असेसमेंट की थी जिसको ट्राइज का नाम दिया गया है. ट्राइज की असेसमेंट जो थी, इट वाज इन 2017, लेट मी करेक्ट, आई थिंक इट्स आई थिंक इट केम आउट आई थिंक इट केम आउट इन 2020. यस यस जी. तो ये एक साल की असेसमेंट थी जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट थी, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा एसओई पोर्टफोलियो को रिव्यू किया गया था और उसको कैटेगराइज किया गया था कि कौन सी एंटिटीज जो है वो प्राइवेटाइज करनी चाहिए, कौन सी एंटिटीज ऐसी जो कि गवर्नमेंट रिटेन करे और फिर उसको रिस्ट्रक्चर करे, और किन किन एसओईज को उनकी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग फॉर्म में चलाया जा सकता है. तो जो एंटिटीज प्राइवेटाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई हुई थी वो एंटिटीज थी जो कि लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, जिनका मेजर फिस्कल इम्पैक्ट है. और उसमें उस वक्त तो खैर एक और डेफिनेशन भी जहन में थी कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज ना किया जा सके. बट अगेन, लाइक अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे लॉसेस कर रहे हैं, और ना सिर्फ लॉसेस कर रहे हैं बल्कि कंटिन्यूसली क्या इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं हर साल, यू आर इंजेक्टिंग कैपिटल एंड इट्स स्टिल टर्निंग इनटू अ लॉसेस, देन देयर इज डेफिनेटली अ नीड कि गवर्नमेंट सोचे कि क्या ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी रिटेन रखने की जरूरत है या नहीं. एंड सिमिलर इज द सिचुएशन विद PIA, आई वुड से कि PIA की सिचुएशन में भी यही हुआ कि ट्राइज की असेसमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में उसको रिस्ट्रक्चर के लिए आइडेंटिफाई किया था, बट ओवर द पीरियड वो लॉसेस बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से नाउ द गवर्नमेंट इज एंटरिंग इन टू द प्राइवेटाइजेशन डिसीजन. अब इसके खाली एक तो फिस्कल इम्पैक्ट है डेफिनेटली, बट जो बैरियर्स हैं वो बियॉन्ड फिस्कल इम्पैक्ट हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी डिवेलप करे, सो दैट मैसेस में जो रेस्टलेसनेस आ जाती है प्राइवेटाइजेशन से, उसको किसी तरह से मिटिगेट किया जा सके. तो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया आई वुड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिवेलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रेस्टलेसनेस है वो क्रिएट ना हो विद एनी प्राइवेटाइजेशन डिसीजन. बट जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. सो फॉर एग्जांपल 14 डिस्कोस, लाइक जो 10 डिस्कोस हैं, लाइक हमने 13 और 14 के करीब एंटिटीज आइडेंटिफाई की थी दैट आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 0.8%, जिनका जिनका जो फिस्कल इम्पैक्ट है एनुअल बेसिस पे वो 0.8% ऑफ द GDP है, यानी कि जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक जैसे भी मेंशन किया कि 2% ओवरऑल सपोर्ट जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, 2% की ओवरऑल सपोर्ट गई है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को, जिसमें से 0.8% की एनुअल फिस्कल सपोर्ट गई है 13 या 14 एंटिटीज को.
ठीक है, जिसमें से 10 डिस्कोस शामिल हैं, पीआईए शामिल है, स्टील मिल्स शामिल है एंड पाकिस्तान रेलवे शामिल है। जी तो ये 10 डिस्कोस के लिए फिर ये डिसीजन हुआ कि 10 डिस्कोस आर ऑल्सो ऑन द प्राइवेटाइजेशन लिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्राइज एक्सरसाइज, जैसे मैंने मैं, मगर उसको राइट उसको क्योंकि द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ दोस कंपनीज इज नॉट दे आर नॉट इन द फॉर्म कि वो रेडिली प्राइवेटाइज हो सके, तो एक और मॉडल प्रपोज किया है जो कि कंसेशन मॉडल कहलाता है। कंसेशन मॉडल ये कि आप ग्रेजुअली नॉट ऑल टूगेदर टेक दोज बिग एक्शंस बट ग्रेजुअली डाइवेस्ट करना शुरू करें, ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के लिए ओपन करें, सो दैट द रिफॉर्म्स इन द मैनेजमेंट इन द ऑपरेशंस कैन कम इन एंड द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट कैन बी रिड्यूस्ड। सो एक कंसेशन मॉडल, सो डिफरेंट मॉडल सजेस्टेड हैं एसओई रिफॉर्म्स के लिए। वन इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन, द अदर इज द डाइवेस्टमेंट, लाइक यानी कि उन एरियाज को आप प्राइवेटाइज कर दें जो कि ज्यादा लॉस मेकिंग है या जिनकी मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है और ज्यादा फाइनेंशियली उस रिसोर्सेज ले रही है। या आप तीसरा मॉडल ये कि आप रिफॉर्म्स विद इन द एंटिटी लेकर रिस्ट्रक्चरिंग करें, कॉर्पोरेटाइज करें उन एंटिटीज को, सो दैट यू नो देयर देयर इज बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट कैन हेल्प देम इन इंप्रूविंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस। लेकिन कुरित, अगर हम स्पेसिफिक यूनिट्स को प्राइवेटाइज करते हैं तो उसमें क्या कोई बायर कभी भी किसी कॉस्ट सेंटर को उस प्राइवेटाइजेशन में लेना चाहेगा? वो तो प्रिडोमिनेंट रेवेन्यू सेंटर्स जो हैं उसी को, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है उन्हीं यूनिट्स को बायर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको नहीं लगता कि उसके डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट होंगे विद इन दोज एसओईज? नहीं, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। आप उसको डाइवेस्टमेंट के बजाय आप अगर ये सोचें कि उनको आप मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड देन लाइक यू नो एग्रीड विद अ क्लियर केपीआईज व्हिच कुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। सो कंसेशन मॉडल्स आर एक्चुअली दीज थिंग्स वेयर यू आर ब्रिंगिंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ब्रिंगिंग द टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ दोज एंटिटीज। So, management contract से आपकी मुराद है something similar that happened in the case of PTCL and Etisalat, right? जी, initially. Right. Initially, yes, yes. Okay. ये जो thank you for a very elaborate answer. My next question to you, Kurit, is about you know that sort of dichotomy that exists. I mean, there are some SOEs that have made persistent losses, places like the PIA, and you've already been talking about it. And then there are places like Pakistan State Oil, for instance, that have continued to stay profitable despite being in the energy sector. And you already talked about DISCOs and how some of the SOEs within the same sector are struggling. So this doesn't seem to be a sectoral issue. Why do you think that dichotomy exists? Why some SOEs have done much better than others? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी आपकी बात से असर। SOEs में क्योंकि ऑयल एंड गैस कंपनीज एंड डिस्कोस दे आर नॉट इन द अंडर द सेम सेक्टर। अगर हम देखें जिस तरह से डिफाइन किया गया है SOEs को, SOEs के लैंडस्केप को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, तो पावर सेक्टर इज सेपरेट एंड देन द ऑयल एंड गैस सेक्टर इज सेपरेट। और पावर सेक्टर में लॉसेस की एक बड़ी वजह जो रही है वो पॉलिसी की कंटिन्यूटी का ना होना है या फ्रीक्वेंटली चेंज पॉलिसी है। टैरिफ एडजस्टमेंट्स वगैरह जो हैं ये डिस्कोस में एक मेजर रीजन बनते हैं लॉसेस का। सो देयर इज डेफिनेटली, तो हमने एक चीज नोट की थी अपनी असेसमेंट में कि एसओईस के प्रॉफिट एंड लॉस जो हैं दे वेरी विद द सेक्टर्स। दे आर फ्यू प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स, सपोज ऑयल एंड गैस जिसमें OGDCL आ गया, जिसमें आपके ये कि PSOs आ गए कि that are making profits, but then अगर आप पावर सेक्टर की तरफ देखते हैं तो डिस्कोस यूनिफॉर्मली आर मेकिंग लॉसेस। सो ये कुछ सेक्टोरल इम्पैक्ट डेफिनेटली है व्हेन वी लुक इनटू द SOEs प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। दूसरा ये कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल या OGDCL, इनकी एक एडवांटेज ये कि जब कंपनीज लिस्टेड होती हैं तो उनके ऊपर एक पब्लिक प्रेशर भी होता है।
तो ये दोनों कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं। पीएसओ के कोई अराउंड 45% शेयर जो हैं वो लिस्टेड हैं। इसी तरह से ओजीडीएस ओजीडीसीएल के 15% जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। तो दे हैव लाइक दिस पब्लिक प्रेशर टू परफॉर्म एज वेल। फिर रेगुलेशंस में ये नहीं कि मतलब एंटिटीज ओवर रेगुलेटेड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट देर शुड बी अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स दैट शुड बी देयर। और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स जो हैं वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं विद इन द मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंट बोर्ड्स जो होते हैं वो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ इस आंसर को, मैं कहूँ कि वॉट कुड बी द की 2-3 फैक्टर्स विच मेक एन SOE अ प्रॉफिटेबल SOE, तो उसमें एक तो ये है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो एक फैक्टर हमने देखा है कि जो SOE प्रॉफिट मेकिंग है उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है दैट हैज या उनकी उनकी लिस्टिंग जो है उन SOE की दैट हैज कंट्रीब्यूटेड वन ऑफ द दैट हैज बीन वन ऑफ द फैक्टर नॉट नेसेसरली ऑलवेज मगर इज वन ऑफ द फैक्टर। द सेकेंड इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने बेतहाशा रिफॉर्म्स किए सिंस 2013 जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हुए, प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स SOEs के लिए फ्रेम हुए, ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन दोज कंप्लायंसेज एज वेल, और उसको पब्लिक भी किया जाता है जब से ये, और ये पूरे एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स है। मैं अपने इसके जवाब के बाद मैं आपको ज़रूर एक थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि किस तरह से गवर्नमेंट की कोशिशें रही हैं इस सेक्टर को ओवरऑल पोर्टफोलियो को मैनेज करने की। तो एक तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया, तीसरा जो है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, जो कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि जितनी कंटिन्यूटी होती है पॉलिसीज की इसी तरह से SOEs की परफॉर्मेंस जो है वो मतलब उस सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है इट्स लार्जली डिक्टेटेड बाय द कंटिन्यूटी ऑफ द रिफॉर्म्स। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे एक तरह की कंटिन्यूटी रही है जबकि अनफॉर्चुनेटली पावर सेक्टर में ऐसा नहीं रहा, एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। सो ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स हैं के प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड देन द पॉलिसी एंड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो ये आई वुड से कि तीन बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स हैं किसी भी SOE की परफॉर्मेंस के लिए। राइट कुरत, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस। आई मीन माय लास्ट क्वेश्चन, आई गेस part of that you've already answered, is about policy changes within state-owned enterprises. As we know, and you might agree or disagree with this, but policy changes compared with, you know, structural changes are like brisker, more expedient, perhaps even less costly. But on the contrary, we've seen that there is greater focus on structural reform when it comes to SOEs than, you know, proposing any policy changes to these organizations. But if we have to come to that pass, what kind of policy changes do you foresee in the SOEs or that the government should predominantly focus upon? Agar aap kuch do char bata sakein ki policy, ek to aapne policy continuity ki already baat ki, but in addition to that, ji. Dekhiye, is pichle sawal mein ke jawab mein maine aapko ye kaha tha ki kuch series of reforms hain jo ki government ne sare arse mein kiye hain. और गवर्नमेंट ने इनफ पॉलिसी रिफॉर्म्स कर ली। पॉलिसी रिफॉर्म्स का जो एक डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप यू कैन नॉट सी द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी रिफॉर्म्स अंटिल एंड अनलेस दोस पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड देयर इज अ सीरीज ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट हैज टेकन प्लेस इन द कंट्री, लाइक यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन आपका SOE लॉ आया है 2023 में, SOE ओनरशिप पॉलिसी आई है 2023 में, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो कि इन इन सारी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा, SOE की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, और साथ साथ एक इनकी रिपोर्टिंग को फॉर्मलाइज करने के लिए भी सजेशंस रही हैं, पॉलिसी इनैक्ट होती रही है।
you rightly said that the policy reforms are cheaper, less costly, but their implementation is definitely extensive and requires more rigorous attention as compared to just making a policy, right? So policy reform jo abhi recently hua hai country mein, that is SOE Act ki enactment hai, SOE policy ki enactment hai. SOE Act requires SOEs to prepare business plan, 3-year business plans, taki unki ek to business continuity bhi ho. They look into whether they are undertaking viable projects. And if there are deficits, then they start looking into how to generate the revenue to curtail those deficits. ये तो commercial basis पे जो SOEs operate कर रही हैं उनके लिए, जो non-commercial basis पे SOEs कुछ undertaking of the activities undertake करती हैं on behalf of the government, जिसमें power sector discourse भी आते हैं, यानी कि जहाँ पे उनका tariff regulate हो जाता है, और tariff regulate होने का मतलब ये है कि government ये benefit provide कर रही होती है larger public को, कि जो cost increases हैं या जो operational inefficiencies की वजह से cost increase हुई है, उसका सारा burden जो है वो आम public पर ना जाए, इसके लिए government, इसके लिए एक setup होता है जिसको एक regulatory setup है जो कि एक point पे cap लगा देता है sale price पे electricity की, सही है? So, like in terms of हम अगर discourse की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपके revenues जो हैं वो capped हैं, कॉस्ट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली वो एंटिटीज जो है वो लॉस करेंगी, सही है? और उस लॉस को जो है वो ओवरकम कौन करता है? वो गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडीज ओवरकम करती है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऑपरेशनल मॉडल्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर बोझ लेके आम पब्लिक को सेव कर रही होती है. मगर ये कि सिंस देर आर मेनी रिफॉर्म्स गोइंग ऑन, कि ये जो सब्सिडीज हैं ये फिर टारगेटेड हो सकें, ताकि ये रिफॉर्म जो है वो राइट बेनिफिशरीज तक जा सकें, ये जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है ये राइट बेनिफिशरीज तक जा सके, इंस्टेड के ये स्प्रेड हो और तमाम इंडस्ट्रीज भी इसका फ़ायदा उठाएं और एक गरीब भी और अमीर भी मतलब इक्वली इसका फ़ायदा उठाए. तो उसको कर्टेल करने के लिए टारगेटेड सब्सिडीज का ऑप्शन है जो कि सजेस्ट किया गया है फॉर द पावर सेक्टर. बट उसके लिए भी ये कहा SOE Act ये रिक्वायर करता है कि आप ऐसे प्लान्स बनाएं, बिजनेस प्लान बनाएं फॉर नॉन कमर्शियल SOEs कि आप उसके लॉसेस को कर्टेल कर सकें. तो अगर मैं समराइज करूँ इस डिस्कशन को, तो वो ये है कि SOE पॉलिसीज एंड SOE Act, ठीक है, बट दिस एक्ट इज मीन्स नथिंग अंटिल एंड अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड इन फॉर्म ऑफ द बिजनेस प्लान्स, इन फॉर्म्स ऑफ द in form of the proper corporate governance structures which is there in the SOE Act. Structural right. reforms mein jo cheeze aati hain wo hain triage, NHA ki corporatization, financial restructuring, aur ye definitely again structural reforms ke liye bhi ye cheez zaruri hai ki jitni jaldi aap unke upar actions lenge, they are definitely more time consuming as compared to the policy actions enactments, but you cannot say that you know one is better than the other. Right. Policies ke actions over the period some nazar aate hain, uske actions structural reforms agar correctly implement ho jaye to probably iske impact zyada jaldi hoga. But again, yeah, matlab those are equally important for the overall right. reforms. So the implementation of reforms, I would not suggest any further reforms. Because there are many reforms that have already been undertaken. This is the time where the implementation needs to happen. Because we have already identified the entities which needs to be privatized, which needs to be restructured in the form of structural reforms. Now what is required is an action. Right. Yeah, I mean, thank you for that message, Kurat. I think we're now heading to the end of the show, but I'll just get closing remarks or like a parting comment from each one of you. I'll start with Adnan and then I'll quickly come to you, which will take us to the end of the show. Adnan, any parting comments? Any closing remark? Shukriya, Asad. Parting comment, ji, yahi ho sakta hai ki ye jo surat-e-haal hai is waqt Pakistan mein mali aur jis dushwari se Pakistan guzar raha hai, ये एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जिसमें जो गुज़श्ता अदवार में पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं हो सका मुश्किल रिफॉर्म्स पे कि वो हो,
और उनमें से एक एरिया जहां पे रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है वो एसओईज हैं, क्योंकि ना सिर्फ एसओईज इकॉनमी के एक बड़े हिस्से में कंट्रीब्यूशन करती हैं, इनकी वजह से टैक्स पेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी आता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है उसमें मज़ीद हमें तनाव नज़र आता है, और ऐसे अखराजात जैसे कि सेहत और तालीम है उनके लिए कम स्पेस नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अपॉर्चून टाइम है कि इस एसओईज को रिफॉर्म किया जाए। शुक्रिया। ताकि हम सोशल स्पेंडिंग कर सकें, आपका आपका मैसेज ये है, यहां से पैसा बिल्कुल जो फ्री अप करेंगे वो हम सोशल स्पेंडिंग पे खर्च कर सकें। बिल्कुल कुरत, थैंक यू अदनान फॉर अ वन लाइनर। कुरत, अ वन लाइनर फ्रॉम योर साइड, परहैप्स अ बेटर यू नो अ बेटर पंच लाइन देन अदनान। दिस इज द टाइम टू एक्शन, आई वुड से। There have been enough spent on these policies and structural reforms, but what is required is the implementation. We need to take action at this point in time. And yeah, I would not say further, like it's just time to take action. Time for action, says Kuratul Ain Hadi. Adnan Ashraf Ghuman from the World Bank was also with us. It's time for us to say goodbye. Thank you, ladies and gentlemen. Asad Ijaz Bhatt ko Naya Daur TV, New Wave Global pe ijazat dijiye.